तो नमस्कार दोस्तों, टेक्नोबिज टीवी में स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक मैं बोनस टॉलरेंस, एमएमसी पे बोनस टॉलरेंस क्या होती है वो मैं आज कवर अप करूँगा। तो आज का टॉपिक होगा दोस्तों, एमएमसी पे जो बोनस टॉलरेंस होती है उसकी क्या क्या कैलकुलेशंस होती हैं, बड़ी सिंपल आसान प्रोसीजर में। बोनस टॉलरेंस इन केस ऑफ एमएमसी। तो एमएमसी और एलएमसी होती क्या है वो आप लोगों ने पहले देख लिया था इससे पुराने वाली जो वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके पहले एमएमसी और एलएमसी की वीडियो देखिएगा, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं या आपको नॉलेज नहीं है जीडीएनटी की। तो ये मेरे पास एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में अब अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये वाला मेरा पिन है। पिन का साइज है 10, 10 डायामीटर 10 से लेके 10.5, ठीक है। अभी मैं फीचर कंट्रोल फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ साइज की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये साइज दिया हुआ है 10 से लेके 10.5। ऊपर आप अभी यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये पिन है। इसके साइड व्यू में आप, राइट साइड व्यू में आप देखेंगे तो ये पिन है और ये मेरा होल है। इधर देखोगे आप राइट साइड व्यू में तो हिडन लाइन में देखेगा एंड यू वुड एबल टू रिकॉग्नाइज इट दैट दिस इज ए पिन। अभी इस होल के केस में ये होल का डायमीटर 8 है, 8 से लेके इसकी जो साइज की टॉलरेंस है वो 8 mm से लेके 8.5 mm, ठीक है। 8 से लेके 8.5 की इसकी ऊपर वाले होल की टॉलरेंस है। ऊपर वाले होल का साइज क्लियर हो गया, नीचे वाली पिन का साइज क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ फीचर कंट्रोल फ्रेम की। अभी ये पोजीशन टॉलरेंस इस पर लगाई हुई है। अब पोजीशन टॉलरेंस को डिटेल में तो हम स्पेसिफिक जब इसके चैप्टर में आएंगे तब पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पे बोनस टॉलरेंस के कंसेप्ट में इसको थोड़ा सा, इसका ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पोजीशन टॉलरेंस एक्चुअली मतलब क्या होता है इसका, पोजीशन टॉलरेंस का। यहाँ देखो, ये जो होल की डायमेंशन तो ये दे दी गई है, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, ये डिफाइंड है 8 से लेके 8.5 mm में ये हो सकता है। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये वाली जो फीचर कंट्रोल फ्रेम जो ये दिया हुआ है, ये फीचर कंट्रोल फ्रेम डिफाइन करता है इस होल की लोकेशन। अभी आपको अगर इस होल की लोकेशन, या यूं कहूं मैं इस होल की पोजीशन, अब इस होल की पोजीशन कहां से आ रही है निकल के, 40 ए वाले डायमेंशन से और इस वाले डायमेंशन से, मतलब 70 + 50 कितना होगा, 120, 120। तो मैं यहां पे भी एक डायमेंशन चाहे मैं अलग से ही दे देता हूं, 120। ये बेसिक डायमेंशन, इसको हम बॉक्स में जो होती हैं और बेसिक डायमेंशन होती हैं, और बेसिक डायमेंशन क्यों होती हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा मैं। तो दोस्तों इसमें है क्या, होल मेरा कंट्रोल्ड है 8 से लेके 8.5 में। तो जीडीएनटी बोलती है कि भाई मैं इस होल की लोकेशन यानी कि डायमेंशन 40 और 120 मैं कंट्रोल करना है जीडीएनटी के थ्रू। तो ये 40 डायमेंशन और 120 डायमेंशन की जो टॉलरेंस है ये निकल के आएगी यहाँ से, वो कितनी दी हुई है। देखो ये बोल रहा है कि लोकेशन कंट्रोल करनी है, किसकी करनी है, इस होल की यानी कि 8 से 8.5 की। तो ये किन डायमेंशंस की टॉलरेंस कंट्रोल करने के लिए बोल रहा है, यानी कि इस होल की पोजीशन, मतलब ये दो डायमेंशंस, ये 40 और ये 120। अब ये 40 और 120 को कंट्रोल करने की बोल रहा है। तो 40 और 120 की डायमेंशंस, क्योंकि 40 और 120 की टॉलरेंस क्योंकि फीचर कंट्रोल फ्रेम में दे दी गई है, देख रहे हो 0.1। अब ये जो 0.1 है इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, 0.2, ठीक है, क्योंकि ये इस होल की पोजीशन, इससे इस होल की जो ये पोजीशन है कंट्रोल करी गई है 0.2 टॉलरेंस से। इसका मतलब ये हुआ कि इस होल की पोजीशन ये और ये, इसमें टॉलरेंस आएंगी यहाँ के हिसाब से, ठीक है। और अब ये क्या है, ABC, ये डेटम ऑफ प्रेसिडेंस उसमें लिखे हुए हैं, सीरीज में लिखे हुए हैं,
इसका मतलब ये है कि ये इस कंपोनेंट को देखिए, ये मेरा राइट साइड व्यू है और ये मेरा फ्रंट व्यू है। ये प्लेट जब मैन्युफैक्चरर के पास जाएगी तो मैन्युफैक्चरर इसको देख के सबसे पहले क्या देखेगा, वो देखेगा कि भाई डैटम ए, ये वाला नीचे वाला फिश डैटम ए है। तो सबसे पहले वो जो मैन्युफैक्चरर होगा इस वाले फेस को इसकी फेसिंग करेगा, इसकी ग्राइंडिंग करेगा, ठीक है, इसकी ग्राइंडिंग करेगा वो। इसके बाद वो देखेगा दूसरा डेटम कहाँ है, दूसरा डेटम देखेगा ये वाला, इस वाले डेटम की भी यहां से फेसिंग करेगा, ठीक है, उसके इसकी फेसिंग भी करेगा और उसको 90 डिग्री है परफेक्ट करेगा इसको। बी के बाद वो देखेगा तीसरा डेटम कहाँ है, फिर वो तीसरा डेटम उसको यहां दिखेगा, तो फिर ये इस होल की फेसिंग करेगा। अब क्योंकि वो इस ब्लैंक पीस में अभी कुछ नहीं बनाया, सिर्फ एक ब्लैंक पीस है, उस पीस में सबसे पहले नीचे से फेस करेगा, बी नीचे से करेगा, ग्राइंड करेगा और फिर सी के हिसाब से करेगा। तो दो फेस उसने बना चुका है वो। उसके बाद वो इसका यहां से इस वाले फेस से लोकेट करेगा, ये 50 वाले डायमेंशन मतलब इस वाली पिन को लोकेट करने की कोशिश करेगा, इसका सेंटर निकालेगा वो। इसका सेंटर क्यों, क्योंकि मिलिंग पे ये पूरा मील होगा ना, ये पिन कैसे निकलेगी, मिलिंग मशीन पे निकलेगी ना इसको। अगर आप मशीनिंग पे भी कोई वीडियो बनवाना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर लेके आऊँगा मशीन पे वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटर को, इस पिन के सेंटर को फाइंड आउट करेगा वो, और ये 40 और 50 वाले डायमेंशंस को मतलब 0-0 करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद फिर मिलिंग करेगा ये पिन का साइज निकालेगा मिलिंग करके, उसके बाद फिर ये 120 की सेट करेगा, उसके बाद ये 40 की सेट करेगा, उसके बाद ये होल करेगा वो। एंड दिस इज द प्रोसेस। अब बात करते हैं, फिर से हम दोबारा डिज़ाइन पे आ जाते हैं। अब फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या बोलता है, फीचर कंट्रोल फ्रेम बोलता है कि 40 वाले डायमेंशन और 120 वाले डायमेंशन पे टॉलरेंस होगी 0.2, ठीक है, 0.2 टॉलरेंस होगी। अभी 0.2 मतलब जो इस होल का जो एक्सिस है, वो 0.2 की स्मॉल सिलेंड्रिकल जोन में फॉल कर सकता है। ये वाला जो मेरा होल है इसका एमएमसी क्या है, फॉर होल एमएमसी इज द स्मॉलेस्ट साइज, तो दिस इज द एमएमसी। पीछे वाली वीडियो में आपने देखा था एमएमसी लिमिट, एलएमसी होगा इसका लार्जेस्ट होल, यानी कि ये वाला एलएमसी। सिमिलरली पिन की बात करूं मैं, तो पिन में क्या होता है कि जो एमएमसी होता है वो लार्जेस्ट शाफ्ट डायमीटर होता है, लार्जेस्ट है 10.5, यानी कि दैट मीन्स दिस इज माय एमएमसी। और एलएमसी क्या होगा इसमें, एलएमसी, इसमें कोई दिक्कत आई थिंक इसमें नहीं होगी दिक्कत किसी को। तो उसके बाद फिर से मैं फीचर कंट्रोल फ्रेम पे आ जाता हूँ। फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या बोलता है कि इन वाली 40, ये 40 और 120 वाले डायमेंशंस को, इस वाले होल को मैं लोकेट करूँगा, उसमें सिर्फ मुझे 0.2 की एक सिलेंड्रिकल टॉलरेंस, ये डाया मतलब सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन मिलेगी 0.2 डाया की। और यहाँ पे एमएमसी मैंने यहाँ लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब मैंने पहले भी बताया था कि अगर एम यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मेरे होल ने टॉलरेंस डोनेट करी हुई है किसको, इसकी लोकेशन टॉलरेंसेस को, इसकी लोकेशन डायमेंशंस को तो इसने डोनेट करी हुई है टॉलरेंस। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा होल एक डोनर है, होल मेरा डोनर है। अब कितनी उसने डोनेट करी है वही सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो दोस्तों इसको समझने के लिए पहले एक बात बताइए कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। ये अगर मैं इस होल की स्पेसिफिकली होल की बात करूं, इस होल का अल्टीमेट गोल क्या है, इस होल का अल्टीमेट गोल ये है कि वो असेंबली में जाके उसको फिट होना है, और वो चाह रहा है कि वो फिट हो जाए, वो मेरा कंपोनेंट है बिना रिजेक्ट हुए मेरा असेंबली में फिट हो जाए। तो अब होल की एमएमसी लिमिट 8 मिलीमीटर है, होल की एलएमसी लिमिट 8.5 एमएम है, ठीक है। अब ये बताइए मुझे, अगर होल 8 एमएम का होगा, यानी कि अगर छोटा होल होगा तो फिट होना मुश्किल है, या होल बड़ा होगा तब फिट होना मुश्किल है।
तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब होल छोटा होगा तो फिट होना मुश्किल है। तो इसका मतलब अगर होल तो मेरा बड़ा होगा तो उसके पास एक्सेस है टॉलरेंस देने की, ठीक है ना। अगर पहले ही मेरा होल बहुत छोटा हुआ, 8 mm का पहले ही मेरा होल छोटा है, तो वो कैसे फिट होगा? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो इसीलिए इसका मतलब ये होता है कि भाई ये टॉलरेंस, होल बोलता है कि भाई मैं टॉलरेंस डोनेट तो कर दूंगा, लेकिन अगर मैं खुद ही 8 mm का छोटे से छोटा हुआ, ये मतलब मैं MMC पे हुआ, तो मैं नहीं करूँगा। और जितना ज़्यादा मैं बड़ा होता गया MMC से LMC की तरफ, तो मैं डोनेट कर दूंगा। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ इसको ऐसे। ये होल का ये कहना है कि भाई मैं टॉलरेंस डोनेट कर दूंगा, किसको? इन पोजिशन टॉलरेंसेज को। लेकिन उसके लिए अगर मेरा होल, अगर मेरा साइज जितना ज़्यादा 8 से बड़ा होता जाएगा तो मैं डोनेट कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली जब 8 mm साइज होगा, यानी कि MMC साइज होगा, तब इसको टॉलरेंस सिर्फ जितनी दी हुई है फीचर कंट्रोल फ्रेम में 0.2, सिर्फ वही मिलेगी। अगर MMC से मेरा किसी होल का साइज बड़ा आ जाता है, यानी कि 8 से 8.1 आ जाता है, 8 से मतलब, ठीक है ना। तो मैं एक मिनट, अगर मैं 10 अपने वेंडर से अगर मैं इसी प्लेट के 5 पीस मैन्युफैक्चर कराता हूँ, तो मैं उन 5 पीसेज को मैं मैन्युफैक्चर करा लिया, मैं ले आया, और उसके बाद मैंने इन होल को मेजर किया। पहली प्लेट को उठाया तो होल की डायमेंशन उसमें 8 आई, दूसरी वाली को उठाया मैंने तो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लिया मैंने 6 करवाए वेंडर से मैन्युफैक्चर, और 6 के 6 पार्ट्स में मेरी ये डायमेंशन आई 8 से लेके 8.5 तक इस प्लेट की। अभी दोनों की दोनों अंडर अलाउबल टॉलरेंस हैं, तो दोनों की दोनों मतलब सॉरी 6 की 6 हमारी मतलब क्वालिटी पास हैं, क्वालिटी ओके हैं। तो ठीक है ना। तो MMC साइज कितना है? MMC 8 है। ये डायमीटर मैं यहाँ डाल देता हूँ, डाया, ठीक है। तो ये भी डाया, ये MMC है। तो MMC साइज कितना है? 8। ठीक है, MMC साइज 8 है। तो ये होल बोलता है कि भाई अगर MMC पे एग्जैक्टली MMC पे होगा तो मैं बोल तो आपको ज्योमेट्रिक टॉलरेंस सिर्फ 0.2 की ही मिलेगी, तो मैं बोनस नहीं दूंगा आपको। जितना ज़्यादा मैं MMC से LMC की तरफ डाइवर्ट होऊंगा तो वो डायमेंशन आपको मिल जाएगी, तो वो बोनस आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से बोनस का जो फॉर्मूला निकल के आया वो होगा एक्चुअल फीचर साइज, मतलब मेरा अगर मान लिया मेरा मैन्युफैक्चर हो गया मेरा। तो दोस्तों ये मैं एक फीचर लेके आया, उसका 8.1 उसका साइज था। तो MMC से कितना एक्चुअल फीचर डाइवर्ट हुआ? एक्चुअल फीचर यानी कि मेरा एक्चुअल फीचर हो गया 8.1, MMC कितना था? 8। बोनस कितने निकल के आई? 0.1। सिमिलरली मान लिया मेरा 8.2 था, एक ऐसी मेरी प्लेट थी जिसका होल का डायमीटर मेरा 8.2 निकल के आया, तो उस केस में स्पेसिफिकली 8.2 आया, और ये MMC 8 है, तो 8 में से हम तो 8.2 में से 8 घटाएंगे कितना बचा? 0.2। तो ये ऐसे बोनस ऐसे निकलता है बोनस। तो ये उसी हिसाब से ये फॉर्मूला है बोनस टॉलरेंस एक्चुअल फीचर साइज, ये हमारा एक्चुअल फीचर साइज है, और ये मेरा MMC, ये MMC है, ठीक है। तो एक्चुअल फीचर साइज, तो यहाँ बोनस कितनी आएगी? 8 में से 8 0। यहाँ अगर मेरा एक्चुअल मेटिंग एनवेलप या फिर एक्चुअल फीचर साइज मेरा 8.1 आता है, तो मैं 8 में से इसको घटाऊंगा तो कितना बोनस मिलेगा मुझे? 0.1। इधर कितना मिलेगा? 0.2। इधर मिलेगा सिमिलरली 0.3। इधर मिलेगा सिमिलर 0.4। इधर मिलेगा 0.5। अब आप देखिए ये MMC साइज है मेरा, MMC साइज है ना, ये 8.5 LMC यहाँ लिख लेता हूँ मैं LMC। यानी कि जितना मैं जब MMC से LMC की तरफ
एमएमसी से अगर मैं एलएमसी की तरफ नीचे डाइवर्ट हुआ तो उतना उतना ज़्यादा मुझे यहाँ बोनस मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरर हमेशा क्या चाहेगा, मैन्युफैक्चरर चाहेगा कि वो एलएमसी साइज की तरफ ही मैन्युफैक्चरर करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेंस मिले और वो टॉलरेंस डोनेट करी जा सके यहाँ पे इस वाले सर्कल को लोकेट करने के लिए। और सर्कल की को लोकेट कैसे करते हैं, वो जो पोजीशन का स्पेशल मैं चैप्टर करवाऊंगा तो मैं उसमें आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन को कैसे इसमें वो करते हैं। और उसके बाद ज्योमेट्रिक टॉलरेंस तो सेम ही है सब में, कितनी दी हुई है 0.2, तो वो यहाँ में आ जाएगी 0.2 टोटल टॉलरेंस होगी बोनस टॉलरेंस प्लस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, इस केस में 0.2, इस केस में 0.3, इस केस में 0.4, 0.5, 0.6 एंड 0.7। मतलब आप ये देखिए एमएमसी देने से कितना बेनिफिट हुआ, एमएमसी देने से, देखो मैंने यहाँ एमएमसी दिया, अगर मैंने एमएमसी दिया तो देखो शुरू में टॉलरेंस 0.2 ही थी पोजिशनल टॉलरेंस और अभी भी 0.2 ही है, अगर एमएमसी पे मैन्युफैक्चर होता है तो 0.2 ही रहेगी उस पीस के लिए, यानी कि ये जो टॉलरेंस है ना ये पीस बाय पीस अलग पीस के लिए अलग टॉलरेंस, वही यही है कॉन्सेप्ट जीडीएनटी का। मतलब अगर होल मेरा 8 में मैन्युफैक्चर होगा तो उसको टोटल पोजिशनल टॉलरेंस 0.2 की ही मिलेगी, अगर जितना ज़्यादा वो होल बड़ा होता जाएगा एमएमसी से एलएमसी की तरफ आता जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसको उधर पोजिशनल टॉलरेंस मिलेगी, देख रहे हैं आप। मतलब ये ज़्यादा और ये असेंबली कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा ये पूरा एलएमसी, क्योंकि अब जब ये 8 से 8.5 के बीच में मैन्युफैक्चर हो रहा है और ये जो डिज़ाइनर ने टॉलरेंस दी हुई है तो ये असेंबली इसकी मेटिंग कंडीशंस को ध्यान में रख के ही दी हुई है, इसका मतलब हमें पोजिशनल टॉलरेंस मिल रही है एक्स्ट्रा एंड एट द एक्सपेंस ऑफ नथिंग, हमें बिना किसी डैमेज करे एक्स्ट्रा टॉलरेंस मिल रही है, बोनस टॉलरेंस मिल रही है, यही है इसका। ये तो हो गया हमारा उसके लिए होल के लिए, राइट। तो यही फिर हम पिन के लिए करते हैं। तो दोस्तों देखिए अब पिन के लिए क्या है कि पिन में एमएमसी मेरा 10.5 है, एमएमसी है तो 10.5 है, तो मैं पहले एमएमसी वाला कॉलम भर लेता हूँ पूरा का पूरा। एमएमसी कितना 10.5, तो ये हो गया मेरा 10.5, राइट। अब इसके बाद अब मैंने फिर से वही 6 प्लेट मैन्युफैक्चर होने के लिए दे दी, अभी मेरा पहला जो पार्ट आया उसका साइज निकल के आया 10.5, मान लिया मेरा 10.5 निकल के आया। अब क्योंकि 10.5 ही नहीं, अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई मैं अभी ये वाली पिन भी मेरी जो टॉलरेंस डोनेट कर रही है, ये वाली जो मेरी पिन है, ये वाली जो पिन का डायमीटर है 10 से लेके 10.5, ये जो डायमीटर है ये भी टॉलरेंस को डोनेट कर रहा है इन दो डायमेंशंस को 40 एंड 50 को। अब ये बोलता है कि भाई एमएमसी पे तो 0.2 ही रहेगा, एमएमसी पे सिर्फ रहेगा 0.2, और जितना ज़्यादा एमएमसी से लेके एलएमसी की तरफ डाइवर्ट होगा तो फिर बोनस मिलेगा, तो बोनस टॉलरेंस बढ़ती रहेगी उस हिसाब से, एमएमसी से एलएमसी की तरफ बढ़ेगा। तो अभी मेरे पास 6 कंपोनेंट है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 10.4, 10.3, 10.2, 10.1 एंड 10, ठीक है ना। ये अब बोनस कितना बोनस होगा, वही फॉर्मूला एक्चुअल फीचर साइज माइनस एमएमसी। एक्चुअल फीचर अब उसका भी यही बोलना है कि भाई मैं एमएमसी से जितना ज़्यादा आप एमएमसी पे तो मुझे आपको मिलेगा 0.2 ही, एमएमसी से जितना आप एलएमसी की तरफ जाओगे तो आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। तो बोनस टॉलरेंस का फॉर्मूला एक्चुअल फीचर साइज माइनस एमएमसी, एक्चुअल फीचर साइज ये वाला है, इसमें इसको घटाएंगे कितना बचेगा 0, मतलब
बात वही हुई ना, एमएमसी पे जीरो मिल रहा है, ये बोल रहा है कि एमएमसी पे बोनस टॉलरेंस जीरो मिलेगा, बाकी आपको ये मिलेगी, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस मिलेगी। तो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस यहाँ लिख लेता हूँ 0.2, अंडरस्टूड। उसके बाद देखिए आप, तो इस वाले में एक्चुअल फीचर साइज में से ये घटाएंगे, मतलब एमएमसी में से, इसमें एक्चुअली एमएमसी से फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, एमएमसी से एक्चुअल फीचर साइज मतलब घटाते हैं इसमें, मतलब ओवरऑल हम इसमें डिफरेंस चेक करते हैं कि एमएमसी और एक्चुअल फीचर साइज में कितना है, मतलब डाइवर्ट कितना हुआ है, इसमें कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई इसमें मतलब नहीं है। हमारा इसमें होता है कि भाई एमएमसी से एमएमसी और एक्चुअल फीचर साइज में डिफरेंस कितना है। अब यहाँ पे मैं देखूंगा एमएमसी एक्चुअल फीचर साइज 10.4, एमएमसी इसका दोनों का डिफरेंस कितना है 0.1, इधर डिफरेंस कितना है 0.2, इधर कितना है 0.3, इधर डिफरेंस कितना है 0.4, इधर कितना डिफरेंस 10 और 10.5 में 0.5, और टोटल टॉलरेंस क्या होगी, बोनस टॉलरेंस प्लस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, मतलब 0 प्लस 0.2 0.2, ये होगी 0.3 0.4 0.5 0.6 एंड 0.7, सिमिलरली एज सिंपल एज दैट। अभी जैसे उसमें किया था, ऑल टुगेदर हमें करना क्या होगा, हमें एमएमसी और एक्चुअल फीचर साइज और एमएमसी में जितना भी डिफरेंस होगा, चाहे वो पिन है चाहे वो होल है, वो वाला जो डिफरेंस होगा वही वाला मेरा बोनस होगा। इस तरह से हम बोनस टॉलरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं होल और पिन के केस में। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।